जनपद संभल के थाना असमोली क्षेत्र में प्रेमिका के परिजनों ने एक प्रेमी की पीट पीट कर जघन्य हत्या कर दी है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप है। देर रात 100 डायल पुलिस ने गंभीर हालत में प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जिस समय प्रेमी पुलिस को घायल अवस्था में प्रेमिका के घर से मिला, वे नग्न अवस्था में था और उसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे। जनपद हाथरस में दलित बेटी की दर्दनाक मौत से प्रदेश भर में मचे बवाल से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विवादों में घिरी हुई है। विपक्ष और दलित समाज के लोग न्याय के लिए सड़कों पर हैं। इसी बीच संभल के असमोली क्षेत्र स्थित मनोटा से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। परिजनों के अनुसार वहां के रहने वाले अकरम को उसकी प्रेमिका कवर जहां ने देर शाम मिलने के लिए अपने घर बुलाया था, जहां पर एक साजिश के तहत उसके पति और अन्य परिजनों ने मिलकर अकरम को पकड़ लिया और रस्सियों से उसके हाथ पांव बांधकर घंटों तक बहरीमे से पिटाई की गई। और ये सब होता रहा उसकी बेवफा प्रेमिका कवर जहां की नजरों के सामने। पिटाई के बाद आरोपियों ने ही पुलिस को सूचना देकर अकरम को सौंपते हुए उसे चोर बताने का प्रयास किया, लेकिन उसके मोबाइल से मिले प्रेमिका के वीडियो ने पूरे मामले की पोल खोल कर रख दी। थाना असमोली पुलिस ने गंभीर हालत में घायल अकरम को देर रात जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया था, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लेकिन जो वीडियो आरोपियों ने पिटाई के दौरान बनाई थी, उसके सामने आने से प्रेमी अकरम के साथ की गई हिंसक पिटाई की तस्वीर बयां कर दी। क्या नाम आपका? सहाना। कहाँ के रहने वाले? मनोटा। क्या मामला हुआ है? गुंडों ने बुलाया और गुंडों से पिटवाया, 10 लाख की जमीन बेची, सब खा गई लौट के। कौन खा गए? वही जिसने उसने पिटवाया, जिसने कमर जहाँ ने। कहाँ के रहने वाली हैं? मनोटे। किसने मारा उनके लिए? अपने गुंडों से पिटवाया अपने यारों से, 10 लाख की जमीन बेची थी, सब खा गई वही लौट के। किसे मारा? मेरे सर। क्या नाम उनका? थाना असमोली क्षेत्र अंतर्गत गांव मनोटा में श्री असलम ने अपने भाई अकरम की मृत्यु के संबंध में आज प्रातः थाने पर सूचना दी। सूचना के अनुसार गांव के ही इसरार व उसकी पत्नी द्वारा उनको अपने घर पर रात्रि में फ़ोन करके बुलाया गया और बुला के उनको अपने घर में ही बंद करके उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त गण इसरार व उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।